हम जा रहे हैं अभी द केव में, सो इट इज नोन एज द क्लाउड स्टार्टर्स खाते हमारी बर्थडे पे। हेलो एवरीवन, एंड ये वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ यार। मतलब अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो रही है ना टेम्परेचर एवरीडे, कहीं गर्मी है कभी ठंडी हो रही है, तो इट्स रियली वेरी हर्टिंग फॉर द बॉडी। और मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया है, इट्स टू मच इरीटेटिंग। ये अभी NMC हॉस्पिटल में हम आए हुए हैं, यहाँ पे फार्मेसी है, यहाँ से हम थोड़ा बॉडी एक वगैरह हल्का फीवर का मेडिसिन ले लेंगे। एंड ये बोशर एरिया में है ये वाला, और यहाँ पे आपका वीज़ा मेडिकल होता है, हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो आप ये हॉस्पिटल भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्टिकल्स वगैरह के लिए भी शॉप है, फार्मेसी है एज आई टोल्ड यू, एंड बोशर एरिया के आसपास है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है उन लोगों के लिए जो बोशर एरिया के आसपास रहते हैं। हेलो एवरीवन, एंड आज के व्लॉग में हम अभिषेक का पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करें क्योंकि बर्थडे वाले दिन वो बीमार था। वाह क्या सीन है। और मैं भी थोड़ा थोड़ा बीमार थी, तो आज हम जा रहे हैं फाइनली पोस्ट बर्थडे लंच पे। आज भी बीमार हूं, आज भी थोड़ा बीमार है। आराम से चलाओ यार, मेरा कैमरा हिल रहा है। तो हम जा रहे हैं अभी द केव में, क्लाउड्स रेस्टोरेंट में। तो द केव के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी, तो चलते हैं आज के हमारे ब्लॉग की तरफ। द केव कौन सी जगह पे लोकेटेड है? चिकू दारसेत, राइट? दारसेत ना, हाँ दारसेत हाइट्स, मतलब वो एक्सप्रेस वे वाला रोड है। और पार्टियाँ जो होती है ना सबसे ज़्यादा वो केव में होती है। बॉलीवुड नाइट वगैरह केव का ना बड़ा मज़ा आता है। अभी पता नहीं इतने टाइम से बॉलीवुड नाइट पार्टीज नहीं होती है, पर हाँ हिप हॉप म्यूजिक हो गया या फिर अरेबिक बीट्स हो गया, ये हमेशा अफ्रीकन नाइट्स हो गया, ये फ्राइडे सैटरडेज मोस्टली रहता है। ये लेडीज़ के लिए एंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्री रहती है, तो ये नाइट्स रहती है। पर बॉलीवुड काफ़ी कम होती है वहाँ पे। वहाँ का क्लब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दे सर्व ड्रिंक्स एक्सेट्रा एवरीथिंग वो सर्व करते हैं। और आज हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट में उनका खाना ट्राई करने के लिए। दिस इज़ द केव रेस्टोरेंट जिसमें हम जा रहे हैं। एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अ रेस्टोरेंट, ये पब है, इसके अंदर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। सो वी आर गोइंग टू द क्लाउड्स रेस्टोरेंट, एंड ये एक्सप्रेस वे से राइट साइड पे आता है जब हम बोशर से आ रहे हैं। तो व्यू बड़ा मस्त है पता है सिटी का। आई विल शो यू। यहाँ तो किधर से भी जाते हैं, अंदर जाके यू कैन गेट इट राइट। यहाँ से एंट्रेंस ही तो है, लेट्स गो। यू आर स्वेटिंग सो मच। They have this another restaurant Maya Chowche, and this is Bangalore to the cats Shamshi।
ओके सो इट इज नोन एज द क्लाउड्स बिकॉज ये ओपन स्पेस है और यहाँ से आप आराम से क्लाउड्स देख सकते हो. ओह माय गॉड. तो वील सी और अंदर इंडोर स्पेस भी है. सो दिस इज द रूफ टॉप. मे बी शीशा एंड ऑल के लिए इट इज़ द बेस्ट थिंग. एंड देन देर इज़ द रूफ टॉप. वी आर हियर एट द क्लाउड्स रेस्टोरेंट और एक्सप्रेस वे का व्यू आ रहा है मुझे अपन उधर. और इधर रेस्टोरेंट है मुझे भी दिखा दो यार. मैं भी वो भी तक मैंने बोला ही नहीं मैंने खाने में क्या मंगाया. मैंने कोल्ड स्टार्टर्स में मंगाया है एक हमस प्लेट एंड चिकन काबसा विल बी हियर. वो आई गेस राइस के साथ चिकन का कुछ अरेबिक डिश है वो है. एंड डेजर्ट रहेगा एक बाद में. एंड अभी एक्स्ट्रा में मैंने और क्या मंगाया है स्टार्टर्स में चिकन विंग्स मंगाई है मैंने. जलवा है हमारा. तो इतना मैं खा लूँगी आज फिलहाल क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद बाहर आ रही हूँ चिकन खाने के लिए. अभिषेक खानी और मैं कहीं बाहर जा नहीं रही थी तो फाइनली आई एम आउट. लेट्स सी यहाँ का खाना कैसा है. फ्लैश दैट्स इट. चीको बीमार है पर फिर भी चिकन खाने के लिए आ गए हैं यहाँ पे. इनकी शक्ल से इतनी लग गई बीमार है. सो दिस इज़ अरेबिक ब्रेड एंड दिस इज हमस और हमस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे भी. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. चलो स्टार्टर्स खाते हैं. Now this is the chicken wings that we have ordered. It's a spicy chicken wing. और chicken wing को खाने का एक ही तरीका है हाथ से खा लो. तो let me try it. ये कैसा है. It's amazing. It's like it has this charcoal-y flavor. I love it. So अब मैं खा लेती हूँ फटाफट इसको. So you are trying this chicken kabsa. Kabsa. Chicken kabsa. How is it, chicken? Kabsa is good. Chicken bhi kafi achhe tarike se inhone pakaya hai. The chutney is really very good. Taste is very good. Like how is it? Like normal biryani to mere jo favorite hai usse bole to. Kaun hai ye log? Kahan se aate hai ye? Ya biryani to alag hi hota hai. Aur ye iska taste normal rice hi hai. Rice with this grilled chicken, right? Yeah, with the grilled chicken. Yeah. हमारी जो फीवर है हमारी जो तबीयत ख़राब है उसमें यही अच्छा है राइट. सो एंजॉय. सो सारा खाना मैंने खा लिया बहुत ज़्यादा पेट भर गया और जो एक्स्ट्रा रह गया था मैं खुद ही फिनिश फॉर्म में पैक भी करवा लिया. एंड फाइनली द डेजर्ट इज़ हियर. सो हैप्पी बर्थडे चीकू. थैंक यू. हमारी बर्थडे पे इसलिए हम चीज़ केक खा लेते हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू. It's so good. I deserve it. And here is our birthday boy. Thanks for the lunch. मज़ा आया और धूप भी अच्छी लग रही है आज हमें. And I was talking to you about the view. तो ये रहा वो view. और शाम को तो यहाँ पे इतना प्यारा और प्रिटी लगता है जो सारी lights वगैरह on रहती है ना चीकू. जब मैं first time आई थी यहाँ पे cave में और मैंने शाम को देखा था I just love this place. तो ये जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अभी ठंडी हवा भी चल रही है तो this is good, right? खत्म. Bye bye, टाटा, goodbye.